ठीक है, स्टार्टिंग के 5 करो, जब हो जाए तो बताना, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस। डन सर। डन।
Okay. What is the answer of first one? Sir, option D. Option D. D. Atomic number increase होगा तो radius increase होगा ना? Right. D कैसे आएगा? ये आएगा ना? What is the answer of two? Second one. Sir, option C. Mixture of K2CO3 and Na2CO3. Yes. K2CO3 and Na2CO3. Yes. What is the answer of next one? Sir, option D. Mixture has lower. Option D. Yes. क्या करते हैं NaCl के लैटिस के अंदर CaCl2 की इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो इम्प्योरिटीज ऐड करने से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता डिक्रीज तो उसको मेल्ट करना इजी है इसका मतलब तुमको लेस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा तो इससे जो कॉस्ट जो होगा वो कम हो जाएगा. What is the answer of next one? Sir, option C. Option C, good. Actual में क्या reaction हो रहा है? Sodium carbonate का reaction हो रहा है with NO and NO2. तो carbon plus 4 में है और nitrogen यहाँ पर plus 2 में है. तो nitrogen खुद oxidize होके बनाया जाएगा किसमें? खुद oxidize होके तुम्हारे पास जाएगा plus 3 में. NaNO2 बनेगा प्लस यहाँ पर ये खुद जाएगा CO. नेक्स्ट सर ऑप्शन सी CSI में जो तुम्हारे पास R ऑफ प्लस प्लस R ऑफ माइनस जो होगा वो होता है √3a/2. ये सॉलिड स्टेट में तुमने पढ़ के रखा होगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस इन्हीं के बीच में होगी. नेक्स्ट यह एक लड़ा तुमको अभी सारे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं क्या टिल 14 तक? यस सर. मतलब स्मॉलर साइज तो नहीं है ना? नहीं सर, सही है. ओके देन टिल 14 तक कर लो देन.
डन सर। बाकी लिया क्या? बाकी लोगों ने भी कर लिया? 1 मिनट सर। ओके डन सर। ओके देन बताओ व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन सर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए? यस सर। यस ऑप्शन ए। व्हाट इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट वन सर? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आयनिक मोबिलिटी। जो भी डाउट हो यू कैन आस्क, ठीक है? बाकी दीज आर द स्टेट फॉरवर्ड्स, तो इसमें आयनिक मोबिलिटी इज द आयनिक मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? एक मिनट वेट करो, जस्ट वेट अ मिनट। Hello, am I audible? Yes, sir. Yeah. Ionic mobility is inversely proportional to hydrated radius. So, hydrated radius या फिर hydration. तो hydrated जो radius होगा वो तुम्हारे पास किसका ज्यादा होगा? Sodium plus के अंदर क्या है? Charge density ज्यादा है. अगर charge density ज्यादा है तो hydrated radius भी तुम्हारे पास ज्यादा होगा और आयनिक मोबिलिटी जो होगी वो कम होगी। ऑप्शन बी। यस व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन सर? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। जनरली मैं तुमको एक और चीज बता दूं, जो थर्मल स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर। थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। ये सबके लिए अप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स का थर्मल स्टेबिलिटी वैसे नहीं देखते हैं। जैसे कि अगर मेरे को कार्बोनेट का देखना होता तो लेट्स से Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है बताओ? किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे?
पोलराइज नहीं, अरे इसमें कार्बोनेट्स में Li2CO3 Na2CO3 K2CO3 किसमें कोवेलेंट रिएक्टर सबसे ज्यादा? K2CO3। कैसे? स्मॉल साइज ऑफ कैटायन ना। अरे कोवेलेंट रिएक्टर फाजांस रूल से देखते हैं ना, तो फिर Li2CO3 होगा क्योंकि पोलराइजेशन क्या है सबसे ज्यादा है क्योंकि स्मॉल साइज ऑफ कैटायन है, पोलराइजेशन ज्यादा, तो कोवेलेंट रिएक्टर इसमें सबसे ज्यादा है। तो आयनिक रिएक्टर कम होंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी का यहाँ पर ही ऑर्डर आता है। थर्मल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर जो आएगा वो कार्बोनेट्स में, सल्फेट में, बाइकार्बोनेट्स में, जितने भी है नाइट्रेट्स में, सबके अंदर ये आता है थर्मल स्टेबिलिटी कोवेलेंट कैरेक्टर से देखते हैं। बट हाइड्राइड्स के केस में ऐसा नहीं देखते। हाइड्राइड के केस में अपन देखते हैं लैटिस एनर्जी, यहाँ पर क्या देख रहे हैं लैटिस एनर्जी। और आई होप ये सबको पता होगा, तुम सबको ये चीज पढ़ा ही होगी, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन प्लस स्मॉल साइज ऑफ एनायन, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन प्लस स्मॉल साइज ऑफ एनायन मेक्स द स्ट्रॉन्गर लैटिस। यस यस सर, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन स्मॉल साइज ऑफ एनायन मेक्स द स्ट्रॉन्गर लैटिस। तो इसका लैटिस स्ट्रांग होगा, लैटिस अगर इसका स्ट्रांग होगा इसका मतलब डेफिनेटली तुम्हारे पास इसका लैटिस स्ट्रांग है। लैटिस स्ट्रांग होने का मतलब इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यस यस, तो ये चीज ध्यान रखना, तो ऐसे कर सकते हो। एट, व्हाट इज द आंसर ऑफ नाइंथ वन सर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। कभी भी अगर तुमको इनकरेक्ट पूछे ना इनऑर्गेनिक में तो देख लो, जरूरी नहीं है कि तुमको सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए, तुम जिसमें श्योर हो के डेफिनेटली इनकरेक्ट है तो वो देख लो। एल्यूमिनियम का रिएक्शन अगर तुम करवाओगे तो एल्यूमिनियम पहले अगर तुमने NaOH के साथ रिएक्शन करवाया तो पहले यही रिएक्शन होता है AlOH होल थ्राइस प्लस H2, बट ये क्या है एम्फोटेरिक है। तो एक्चुअल में मतलब बीच के इंटरमीडिएट स्टेप में मैं ये बोल सकता हूँ कि ऐसा भी प्रोडक्ट बनेगा, बट इसने NaOH तो कुछ बोल के नहीं रखा है, इसने एक्सेस बोल के रखा है। एक्सेस बोला है तो इसका मतलब ये NaOH के साथ फर्दर रिएक्शन करेगा और ये बना लेगा NaAlO2, क्योंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो फर्दर रिएक्शन हो सकता है, या फिर तुम इसको ये भी लिख सकते हो NaAlOH होल 4। ये व्हाट इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट वन सर? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। यस यस सर, ये हाइड्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे याद रख लो। जितना ज्यादा हाइड्रेशन होता है इतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। नेक्स्ट सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ये काफी इंपॉर्टेंट। कोई प्रोडक्ट बता सकता है क्या बनता है KO2 प्लस CO2 इन दोनों की रिएक्शन से? किसी को प्रोडक्ट पता है क्या बनता है? सर K2CO3 और ऑक्सीजन। K2CO3 प्लस O2। तो इसका अपन सबमरीन के अंदर स्पेस के अंदर अपन यूज करते हैं, जितने भी परऑक्साइड है और सुपर ऑक्साइड है, जितने भी तुम्हारे पास परऑक्साइड है और सुपर ऑक्साइड, मतलब टॉक्सिक ऑक्सिक नहीं होना चाहिए, वो ध्यान रखना बस। बाकी परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड सारे लोग ऐसा ही काम करते हैं, वो CO2 के साथ रिएक्शन करके वो O2 प्रोड्यूस करते ही हैं, तो ऐसे भी देख सकते हो। नेक्स्ट सर ऑप्शन बी। आयनिक मोबिलिटी इसका हाइड्रेशन सबसे कम, हाइड्रेशन रूबिडियम का सबसे कम होगा क्योंकि उस पर चार्ज डेंसिटी कम है, तो उसका ऑर्डर ये आ जाएगा। ये Li(NO3) है, बताओ क्या बने? Li(NO3) का ना लिथियम हाइड्रेट है वो। ऑप्शन सी। नहीं, जितने भी नाइट्रेट होते हैं एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम रुबिडियम चीज है, उनको हीट करोगे तो ऑक्साइड मिलेगा प्लस NO2 मिलेगा प्लस O2 मिलेगा। ऑप्शन ए।
अगर तुमने PbNO3 होल ट्वाइस को भी हीट किया, मोस्टली सारे के सारे नाइट्रेट को हीट करोगे तो ऑक्साइड मिलता है, NO2 मिलता है और O2 मिलता है, ऐसे एक रहेगा। बट प्रॉब्लम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम है। अगर तुमने इसको हीट किया है लेस देन एंड इक्वल टू 500 डिग्री सेल्सियस पे, बताओ क्या मिलेगा? सॉरी बताओ क्या मिलेगा? ये नहीं पड़ेगा रिएक्शन एस ब्लॉक में क्या सर? सोडियम नाइट्रेट और ऑक्सीजन ना? यस, सोडियम नाइट्राइट प्लस O2। अगर उसने तुमने इसको ग्रेटर देन 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया था, बोलो ये फर्दर ब्रेक हो जाता है NaNO3 को पहले हीट करोगे लो टेम्परेचर पे NaNO2 प्लस O2 मिलेगा, और अगर तुमने हाई टेम्परेचर पे हीट किया तो सोडियम का ऑक्साइड प्लस N2 मिल जाएगा। अगर तुमने डायरेक्टली इसको 800 पे हीट किया है तो NaTuO प्लस N2, डायरेक्टली 800 पे हीट किया तो NaTuO प्लस N2 प्लस O2 लिख देंगे तो ये मिल जाएगा। पोटेशियम भी ऐसे, रुबिडियम भी ऐसे और सीजियम भी ऐसे। व्हाट इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट वन सर? ऑप्शन बी। डी या बी? बी बी बॉम्बे। हाँ, Na2O का वाटर रिएक्शन करवाओगे तो NaOH बनेगा। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये बेसिक ऑक्साइड है। तो अगर ये बेसिक ऑक्साइड है तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? इसकी टेंडेंसी होगी लोन पेयर डोनेट करने की। जो ऐसे जो बेस होते हैं वो उनकी टेंडेंसी लोन पेयर डोनेट करने की होती है। सी और डी तो सरासर गलत है। अब ये बेसिक ऑक्साइड है, इसका मतलब ये तुम्हारे पास यहाँ पर एसिड की तरह एक्ट कर रहा होगा तो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। सिंपल, क्लियर? यस सर। ओके, तो ये तुम्हारे पास एस ब्लॉक में, मतलब मैं तुमको टफ लेवल भी नहीं करवा रहा, जो अभी मेंस लेवल के जो प्रॉब्लम्स है मैं वही करवा रहा हूँ, ठीक है? अभी वाले क्रैश कोर्स में जितने भी मेंस लेवल वाले प्रॉब्लम्स है वो अपन उसके साथ डील कर रहे हैं। तुमको सारे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं या फिर मैं और? दिख रहा है सर। बोलो। ये अल्कली अर्थ मेटल के प्रॉब्लम्स सारे विजिबल हैं? यस सर। ओके करो।
डन सर। सब ले कर लिया क्या? हेलो। नो सर प्लीज वेट। ओके डन सर। वेट फॉर 2 मिनट्स। हाँ हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट वन सर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी? अरे ऑप्शन सी नहीं होगा ना, अभी ऊपर बताया ना। इज इट डी? नो। अभी ऊपर बताया था ना थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इसके लिए तो ये आएगा। यस, थर्मल स्टेबिलिटी इन सब के लिए तो अभी बताया था ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। यस बोलो। हाइड्राइड्स में वैसे देखते, बाकी सल्फेट में, कार्बोनेट्स में, बाइकार्बोनेट्स में, नाइट्रेट में, सब में थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। और इन सबको हीट करेंगे तो CaCO3 को, अगर तुम हीट करोगे तो CaCO3 को हीट करने पे तुमको CaO भी मिलेगा, प्लस तुमको CaO के साथ साथ CO2 भी मिलेगा। बट अगर सपोज तुम्हारे पास K2CO3 है, इफ यू हैव द K2CO3
तो K2CO3 को हीट करने पे वो डिकम्पोज नहीं होता। तो इसका मतलब K2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 कौन कौन से हैं? Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 एंड CH2CO3, इनको हीट करने से कुछ भी नहीं मिलता है। तो हीट करने पे ब्रेक नहीं होते, इसका इनकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? ए। व्हाट इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट वन? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए? यस सर। हाइड्रेशन एनर्जी इज हायर देन द लैटिस एनर्जी, इसका मतलब ये पूछ रहा है इनडायरेक्टली किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। यस यस सर। तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है? तो सल्फेट का जो सॉल्युबिलिटी होता है, सल्फेट का सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है फॉर एल्कली मेटल्स, सॉरी एल्कली अर्थ मेटल्स टॉप टू बॉटम। एल्कली मेटल्स के लिए वो इंक्रीज होता है, इसके लिए वो डिक्रीज होता है। आंसर क्या आ जाएगा? ए। व्हाट इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट वन? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों? बिकॉज ये बेसिक ऑक्साइड है, ये बेसिक है, बाकी दोनों एसिडिक है, और ये दोनों एसिडिक है तो ये बेस के साथ रिएक्ट कर लेंगे, और ये एम्फोटेरिक है तो ये भी रिएक्ट कर लेगा। नेक्स्ट ऑप्शन डी वही सेम कंसेप्ट, सेम एज सेकंड। नेक्स्ट सर ऑप्शन ए इंक्रीजेज, ऑप्शन ए होगा क्योंकि ये भी डिक्रीज होता है, ये भी आयनाइजेशन भी डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होता है, हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट ये वाला नहीं आया सर। नहीं आया? देखो CaCO3 को हीट करो, तो जैसे ही हीट करोगे तुमको क्या मिलेगा? एक कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और एक CO2 मिलेगा। यस यस सर। बी को वाटर में डिजोल्व करो, वाटर में डिजोल्व करोगे तो क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। यस यस सर। बोलो। यस सर। ठीक है, और अब तुम एक्सेस ऑफ CO2 के साथ रिएक्शन करवाओ, तो एक्सेस ऑफ CO2, पहले CO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या सबको एक चीज ये समझ में आता है? CaCO3 बनेगा। यस ये तो सबको पता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CO2 के साथ रिएक्शन का CaCO3। इसने एक्सेस ऑफ CO2 बोला, एक्सेस ऑफ CO2 मतलब फर्दर रिएक्शन होगा कार्बोनेट और CO2 का, तो बाइकार्बोनेट बनेगा। यस यस। बाइकार्बोनेट को फर्दर हीट करोगे तो क्या मिलेगा? बाइकार्बोनेट के फर्दर हीटिंग से तुमको कार्बोनेट मिलेगा, H2O मिलेगा और CO2 मिलेगा। तो जो A तुमने लिया था वो A फिर से ऑब्टेन हो जाएगा, इसने वही लिखा है सॉलिड C। तो ये तुम्हारे पास C है, ये तुम्हारे पास C है, और ये तुम्हारे पास B है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फर्दर B ऑब्टेन हो, उसका एक्सेस ऑफ CO2 के साथ रिएक्शन करवाओ, वाटर में डिजोल्व किया, फिर एक्सेस ऑफ CO2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो तुम्हारे पास एक्वा सॉल्यूशन मिलेगा, C फॉर्म होगा। C को अगर सॉलिड फॉर्म में रिकवर होने के बाद फर्दर हीट करोगे तो CaCO3 और वाटर प्लस CO2 मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? B। वैसे ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इन दोनों की हीटिंग से तो कुछ मिलेगा ही नहीं अपने को। क्लियर है? Yes. What is the answer of next one? Sir, option C. Option C. कैसे देख सकते हो? Covalent character से देख लो. फाजांस रूल से. तो I माइनस का पोलराइजेशन सबसे ज्यादा, अगर पोलराइजेशन ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो आयनिक कैरेक्टर कम, आयनिक कैरेक्टर कम तो मेल्टिंग पॉइंट कम। What is the answer of next one? Sir, option A. नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है एक मिनट, तुम लोगों को ये रिएक्शन पता है क्या?
Cl2 का NaOH के साथ रिएक्शन कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में. क्या ये रिएक्शन बताए? ये तो पता होगा ना सर ने रिएक्शन. सर NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O. NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O. तो वही अगर तुम कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी सेम रिएक्शन होगा यहाँ पर भी. जैसा सोडियम रिएक्शन करेगा वैसा सेम रिएक्शन यहाँ पर भी होगा. तो यहाँ पर बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? CaCl प्लस CaOCl प्लस H2O. अरे CaCl2 ना कैल्शियम का, इसका वैलेंसी प्लस का. सॉरी, ये प्लस टू होता है तो CaCl2 मिलेगा प्लस CaOCl ट्वाइस, फोर ट्वाइस. CaOCl होल ट्वाइस. यस यस सर. ए नेक्स्ट, ये हो गया. इन दोनों में कंबाइन देखो, इन दोनों को कंबाइन क्या लिखते हैं? तो यहां पर क्या होता है, यहां पर तुम्हारे पास है OCl माइनस. OCl माइनस से क्या होता है, तुम्हारे पास नेसेंट ऑक्सीजन क्रिएट होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ब्लीचिंग के. बट लोग क्या करते हैं, इन दोनों में कंबाइन देखो, यहाँ पर कैल्शियम कितना है दोनों में, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में कंबाइन मिला के कैल्शियम कितना है? कैल्शियम के कितने एटम्स हैं सर? दो. तो कैल्शियम दो है. क्लोरीन कितना है? फोर. फोर. और ऑक्सीजन कितना है? टू. तो इसका मतलब क्या, उसको कंबाइन फॉर्म में मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, CaOCl2? यस सर. इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज द ब्लीचिंग, इसको ही बोलते हैं ब्लीचिंग एजेंट. बट रेस्पॉन्सिबल कौन है ब्लीचिंग एक्शन के लिए? CaOCl2. तो HBO, ठीक है, तो वो मिस्टेक मत करना. व्हाट इज द आंसर ऑफ 9th one? सर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है ये, इप्सम सॉल्ट या इप्समाइट का होता है ये, जिप्सम का होता है फर्स्ट, और कैसिटेराइट का तुम्हारे पास फोर्थ. सी वाला नहीं भी याद होगा तो भी चलेगा, बाकी तीनों तो याद रखना ही है अपने को. व्हाट इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट वन? सर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए, बिकॉज ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो इसका पीएच 7 होगा. ये बाकी तीनों क्या है, बाकी जो तीनों है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस. इन सब का होगा कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में पीएच क्या होता है? लेस देन 7. इसलिए आंसर क्या होगा, ए. नेक्स्ट सर ऑप्शन डी. इसमें सिर्फ यही एक चीज ध्यान में रखनी है, ये इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स मिलेंगे और जो सॉल्युबल है किसमें, NaOH में. तो अगर मैं इसके हाइड्रोक्साइड्स की बात करूंगा तो MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस और BeOH होल ट्वाइस. बाकी सारे ये क्या है, ये एम्फोटेरिक. सो विल React with NaOH. तो ये NaOH के साथ react कर लेगा, बाकी कोई भी NaOH के साथ react नहीं करेगा. तो और what is the answer of next one? Sir, option A. Option A. Direct है वो, तो उसमें कुछ explain करने नहीं है. What is the answer of next one? Sir, option A. Option A. ये याद रखना है, मतलब plaster of Paris is shrinking from time to time, it helps in developing the interlocking needles
लाइक क्रिस्टल ऑफ द हाइड्रेटेड सिलिकेट्स विंटर लॉक करता है सिलिकेट्स को. व्हाट इज द नेक्स्ट वन सर? ऑप्शन सी. ऑप्शन सी, हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड भी मिलेगा और CO2 भी मिलेगा. ये एक बेसिक ऑक्साइड है और एक ये एसिडिक ऑक्साइड. डन? यस सर. चलो एक मिनट. तो अभी अपन नेक्स्ट कर रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक. तुमको दिख रहे हैं सारे प्रॉब्लम्स? यस. ओके, तो स्टार्टिंग के 20 सॉल्व कर लो. जैसे हो जाए तो लेट्स जस्ट लेट मी नो. ओके,
Done, sir. What is the answer of first one? सबने कर लिया ना? Yes, sir. What is the answer of first one? Sir, option D. Option D. Okay. हाँ, yes, sir. क्योंकि यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3D3. तो 3D3 मतलब इसके पास है हाफ फील्ड T2G ऑर्बिटल्स. व्हाट इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट सेकंड वन? सर ऑप्शन बी. इनकरेक्ट पूछा है. नो सिमिलरिटीज बोला है. नहीं ना, रेडियस 4D एंड रेडियस 5D का अप्रोक्सीमेटली सेम होता है. इसने इनकरेक्ट पूछा है. इनकरेक्ट में वही है. नेक्स्ट सर ऑप्शन ए. जस्ट वेट ए मिनट. जस्ट वेट.
हाँ क्या आएगा लास्ट, नेक्स्ट का आंसर क्या आएगा? सर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए डिक्रीजिंग सेकंड। हाँ क्रोमियम, सेकंड आयनाइजेशन का मतलब तुमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो क्रोमियम पे चार्ज आएगा प्लस वन, तो ये होगा आर्गन 3d5। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम का सबसे ज्यादा होगा, ऐसा एक ही ऑप्शन है, इट्स ए। व्हाट इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट वन? सर ऑप्शन बी। ये प्लस सिक्स शो करेगा, ये प्लस सेवन शो करेगा, ये प्लस फोर शो करेगा, मैक्सिमम प्लस फाइव शो करेगा, ऑप्शन बी। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन? सर ऑप्शन बी। एक मिनट, तो कलरलेस मतलब ये क्या होगा तुम्हारे पास? कलरलेस मतलब जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो क्या होते हैं तुम्हारे पास? कलरलेस डायमैग्नेटिक जो होंगे वो क्या होंगे तुम्हारे पास? कलरलेस। तो यहाँ पे टाइटेनियम प्लस फोर में है, टाइटेनियम प्लस फोर मतलब आर्गन, और यहाँ पर कॉपर प्लस वन में है, कॉपर प्लस वन में का मतलब तुम्हारे पास होगा आर्गन, एंड साथ ही साथ तुम्हारे पास होगा 3d10। ये दोनों डायमैग्नेटिक है तो ये क्या होंगे तुम्हारे पास? कलरलेस। ये कलरलेस रहेंगे। नेक्स्ट सर ऑप्शन बी। इन दोनों का जिनॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, ये है जिनॉन, जिनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54, और जो लुटेशियम प्लस थ्री में है ना, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है जिनॉन, और अपने को कितना 68 करना है ना, तो जिनॉन 4f14। तो ये दोनों डायमैग्नेटिक, ये भी डायमैग्नेटिक है और ये तुम्हारे पास पैरामैग्नेटिक होगा। तो जनरली कलर के क्वेश्चन आए तो कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया करो, तो आंसर बी। व्हाट इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट वन? ये तो इजी है सर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कोबाल्ट प्लस थ्री का कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 3d6। नेक्स्ट सर ऑप्शन सी। सी जिरकोनियम और हाफ मियो, रेडियस जो 4d सब्सटेंस का है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके? 5d के। नेक्स्ट सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए प्लस थ्री मैक्सिमम सारे लेंथेनाइट प्लस थ्री तो शो करते ही है। व्हाट इज द नेक्स्ट? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए प्लस टू का स्टेबिलिटी, Mn प्लस टू में सबसे ज्यादा स्टेबल है, Mn प्लस टू का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट विल बी आर्गन 3d5। नेक्स्ट सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यस। क्रोमियम किसमें है? क्रोमियम अपने प्लस सिक्स में है, सोडियम किसमें, सॉरी सल्फर किसमें? प्लस फोर में है, तो ये रिड्यूस होके ये बनाएगा प्लस थ्री, और ये ऑक्सीडाइज होके ये तुम्हारे पास बनाएगा SO4 2- मतलब प्लस सिक्स। नाउ दे बोथ विल कंबाइन और दे विल फॉर्म द Cr2SO4 3। नेक्स्ट सर ऑप्शन डी। नहीं डी सही है, डी सही है। क्या तुमको एक चीज ये पता है क्या? डी बोल रहे हो बी बोल रहे हो? बॉम्बे या दिल्ली? दिल्ली बोला था। अच्छा नहीं देखो, ये तुम्हारे पास पीएच अगर लेस देन 7 है, ठीक है, और पीएच अगर ग्रेटर देन 7 है, ये पता है क्या तुमको ये वाला रिएक्शन? हेलो सर ये वाला रिएक्शन नहीं याद आ रहा। अच्छा अगर एसिडिक मीडियम होता है ना तो डाइक्रोमेट स्टेबल होता है, और अगर बेसिक मीडियम होता है तो क्रोमेट स्टेबल होता है। ये भी प्लस सिक्स काफी इंपॉर्टेंट चीज, अभी एक जगह एक आगे एक और प्रॉब्लम आएगा जहां पर भी मैं इसका यूज करने वाला। तो तुम्हारे पास पीएच बढ़ाने पे क्या बन जाएगा? क्रोमेट बन जाएगा, और क्रोमेट का कलर कैसा होता है तुम्हारे पास? येलो, और ये कैसा होता है तुम्हारे पास? ऑरेंज टाइप, तो येलो कलर का हो जाता है, इसका मतलब तुम्हारे पास ये है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ये ध्यान रखना फर्स्ट थिंग। अब बताओ कौन सा है तुमको? एक चीज ये देखो ना, वॉल्यूमेट्रिक में तुम Na2Cr2O7 प्रेफर करते हो या K2Cr2O7 प्रेफर करते हो?
वॉल्यूमेट्रिक में अपन Na2Cr2O7 लेते हैं, K2Cr2O7 लेते हैं, K2Cr2O7 Na2Cr2O7 नहीं लेते, तो रॉन्ग स्टेटमेंट ये है, इसने नॉट ट्रू पूछा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये क्या है, इट इज द हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस का मतलब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। इसका मतलब यह क्या करे, अपने को क्या चाहिए, जो भी तुम्हारे पास, जो भी अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करना चाहिए, जो जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ही रिएक्ट करना चाहिए। बट एक्चुअल में क्या है, ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। Na2Cr2O7 भी क्या है, वो भी तुम्हारे पास किसके साथ रिएक्ट करना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस का मतलब इसके कुछ इक्विवेलेंट जो होंगे ना, वो वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेंगे, जो अपने को नहीं चाहिए। ये मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, जो अपने को वहां पर नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। क्लियर प्रॉब्लम नंबर 12? यस सर, क्लियर। नेक्स्ट सर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यस। मेल्टिंग पॉइंट, यस। मेल्टिंग पॉइंट आई होप तुम सबको पता होगा, मेल्टिंग पॉइंट Mn और क्रोमियम में से क्रोमियम का ज्यादा होता है। यस यस बोलो। Mn का ज्यादा होता है ना? इसने इनकरेक्ट पूछा है मुझे। राइट राइट राइट। Mn का ज्यादा नहीं होता ना, एक डिप आता है ना। ये सॉरी सॉरी, एक डिप आता है। एक मिनट, आई होप ये पता है ना सबको, ऐसा एक डिप आता है। यस यस सर, क्रोमियम से बाद जस्ट एक डिप आता है। चलो तो ये हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट तो पता होगा तुमको सर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वैल्यू भी पता है अपने को, तो कितना, +0.34। ये वैल्यू अपन याद भी रखते हैं। E नॉट रिडक्शन किसका, कॉपर 2+ का, तो ये पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट सर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर के कारण क्या होगा, तुम्हारे पास अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाने की टेंडेंसी होती है। अनस्टेबल इंटरमीडिएट और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का टेंडेंसी होता है। नेक्स्ट सर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एक्टिनियम, एटॉमिक नंबर है कितना, 89। एटॉमिक नंबर 89 का मतलब इसका कॉन्फिगरेशन हो जाएगा रेडॉन, 7s2, 6d1। यस यस सर, तो ये सिर्फ +3 ही शो कर सकता है और नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ जाएगा। बाकी है देखो, इसमें बाकी अपने नहीं पता है, बट मैं तुमको सजेस्ट यही करूंगा, तुम एक काम करना, 4f एंड 5f ब्लॉक के जितने भी है ना, उसका एक बार NCERT पढ़ लो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो डेफिनेटली देख लो सबका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो काफी इंपॉर्टेंट है, वो सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कॉपर +2 में है, +2 मतलब आर्गन 3d10 4s1, सॉरी 3d9 मतलब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। एक अनपेड होगा तो म्यू कितना आएगा, म्यू आएगा √3 मतलब 1.73। एक चीज ये भी पता होगी तुमको, अगर म्यू कभी भी 1.73 है
है इसका मतलब उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन वन होगा। अगर म्यू कभी भी टू पॉइंट समथिंग होता तो, टू पॉइंट समथिंग होता तो फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसके पास, दो हो जाते, दो। ठीक है, व्हाट इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट वन? ऑप्शन सी। अभी देखो मैंने तुमको एक चीज बताया था, अगर मैंने इसमें से प्लस टू कर लिया, प्लस टू मतलब इसका एटॉमिक नंबर 68 हो जाएगा, 68 का मतलब ज़ीनॉन 4F14। अभी मैंने लिखा था एक 68 का कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे लिखा था, देखो कहाँ लिखा, हाँ ये रहा, लुटेशियम का लिखा था, देखो लुटेशियम का, एक मिनट, लुटेशियम का लिखा था, यस अभी मैंने, यस सर, वैसा ही सेम, लुटेशियम 71 था, उसका प्लस 3 लिखा था, और यहाँ पर क्या है, वाई भी है, वाई भी प्लस 2 में है, तो इसका सेम आएगा। बताओ नेक्स्ट सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, CO2 क्या करेगा, CO2 OH माइनस को कंज्यूम करेगा, OH माइनस को कंज्यूम करेगा तो रिएक्शन कहाँ भागेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, यस यस बोलो। बट मुझे बताओ SO2 और HCl क्यों नहीं होगा, ये भी तो वही सेम चीज करेंगे, इक्विलिब्रियम पे है, ये भी OH को कंज्यूम करेंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगा, बट एक्चुअल में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अपने को KMnO4 प्रिपेयर करना है, तुमने ये चीज सोचा ही नहीं, KMnO4 प्रिपेयर करना है, बट ये क्या करेंगे, दे विल ऑल्सो रिएक्ट विथ, ये KMnO4 के साथ रिएक्ट कर लेगा ना, यस और नो, यस सर, बोलो यस, अपने को KMnO4 प्रिपेयर करना है, बट अगर तुमने MnO4 का रिएक्शन कभी भी HCl के साथ करवाया तो ये खुद तो किस में चला जाएगा, खुद तो रिड्यूस होके प्लस टू में चला जाएगा और Cl- को ऑक्सीडाइज करके Cl2 में भेज दो, वही तुमने MnO4 का रिएक्शन O2 के साथ करवाया तो खुद तो रिड्यूस होके Mn+2 में चला जाएगा और इसको ऑक्सीडाइज करके SO4 2- में भेज देगा, तो इसीलिए तुम यहाँ पे सर CO2 के साथ क्या क्यों नहीं कर रहा, कि CO2 क्या ये CO2 को ऑक्सीडाइज कर सकता है क्या, नहीं, क्या MnO4 CO2 को कार्बन को ऑक्सीडाइज कर सकता है क्या, कार्बन पहले से ही प्लस 4 में है तो इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, यस यस बोलो। सीरियम, सीरियम होता है तुम्हारे पास, सीरियम का होता है 58, बताओ क्या क्या शो कर सकता है ये सर, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, प्लस 3 एंड प्लस 4, सीरियम प्लस 4 शो कर सकता है ना, सीरियम में से चार इलेक्ट्रॉन हटाओगे, सीरियम अगर प्लस 4 करोगे तो तुम्हारे पास कॉन्फ़िगरेशन आएगा ना ज़ीनॉन का, तो प्लस 4 शो करेगा ये तो, यस, और प्लस 3 सारे के सारे लैंथेनाइड्स, सारे के सारे लैंथेनाइड्स, ऑल लैंथेनाइड्स प्लस 3 शो करते हैं, तो प्लस 3 तो होगा ही ऑप्शन में, तो या तो आंसर ए होगा या फिर सी होगा, सी क्यों है, क्योंकि सीरियम प्लस 4 शो करके ज़ीनॉन का कॉन्फ़िगरेशन शो कर लेता है, क्लियर, यस बोलो। 1 से 20 तक कुछ डाउट है तो बताओ, एक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम में डाउट है तो देखे ना, है डाउट किसी को? नो सर, नो सर, यस नो, ओके देन, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। टिल 38 तक कर लो,
डन सर। क्या सबने कर लिया क्या? हेलो। यस सर डन। यस सर। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन? फर्स्ट वन सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ओके। नेक्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट सर ऑप्शन ए। इसके पास पी फाइव पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसके पास फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन क्या आएगा तुम्हारे पास? ए। नेक्स्ट सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब ये ट्रेंड्स याद करने, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर रहा। व्हाट इज द नेक्स्ट? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्योंकि ये प्लस सेवन में है और यहाँ पर ये प्लस फोर में है। ये प्लस फोर, ये यहाँ पर ये माइनस टू होना चाहिए, ठीक है? ये माइनस टू तो ये प्लस सिक्स होगा, ये यहाँ पर प्लस थ्री और यहाँ पर प्लस टू। तो प्लस सेवन से अगर वो प्लस सिक्स में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, प्लस सेवन से प्लस फोर में तो तीन इलेक्ट्रॉन का, प्लस सेवन से प्लस थ्री में तो चार इलेक्ट्रॉन का और प्लस सेवन से प्लस टू में तो पांच इलेक्ट्रॉन का। तो ऑप्शन सी आ जाएगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट वन? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसको तुम ऐसे देख सकते हो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड? यस नो बोलो। यस यस आर वन बाई आर टू विड भी ऐसे भी देख सकते हो वैल्यू। अगर तुमको एग्जैक्ट निकालना है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जेड टू बाई जेड वन। आर वन कितना है? एक तो अपने को पता है कि उसका डेफिनेटली रेडियस जो होगा वो कम होगा 1.06 से, या तो वैसे कर लो। अगर तुमको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है ना तो तुम इसको ऐसे निकाल सकते। तो आर टू विल बी 57 इंटू 1.06 अपॉन 7। नेक्स्ट सर ऑप्शन ए। यही मैं तुमको बता रहा था, देखो कि तुमने मीडियम को क्या कर दिया, एसिडिक कर दिया। डाइल्यूट HNO3 किसकी तरह एक्ट करेगा? एसिड की तरह। तो मीडियम को एसिडिक करोगे तो क्या बन जाएगा? डाइक्रोमेट बन जाएगा। यस याद है अभी ऊपर बताया था। यस सर। तो एसिडिक मीडियम में अगर डाइल्यूट लेके रखा, हाँ कॉन्क HNO3 लेके रखे तो माइट भी डिफरेंट हो सकता था, कुछ भी डिफरेंट, बट डाइल्यूट वाले केस में डेफिनेटली क्या होगा? ये होगा। यस नेक्स्ट सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जनरली सारे के सारे अभी नाइट्रेट को हीट करने पे मैंने बताया था तुम्हारे पास क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 मिलता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, पहले तुम्हारे पास Ag2O भी मिलेगा, Ag2O प्लस Na2 प्लस O2 मिलेगा, बट Ag2O जो होता है, Ag और Hg के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो इतने स्टेबल नहीं होते, वो रूम टेम्परेचर मतलब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही ब्रेक होके Ag प्लस हाफ O2 दे देते हैं। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? सी। जनरली नाइट्रेट को हीट करने पे उसका मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 मिलता है, तो Ag के साथ भी तुम्हारे पास मोर और लेस ऐसा ही रिएक्शन होगा। सॉरी Ag2O मिलेगा, बट Ag और Hg के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पे डीकम्पोज होकर ऑक्सीजन गैस लिबरेट कर देते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट वन? ऑप्शन ए। ये अभी अपन ने किया था क्रोमियम, अगर प्लस वन में है तो क्रोमियम प्लस वन में होगा तो कॉन्फिगरेशन होगा आर्गन 3d5। तो हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल है, अगर उसके पास हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल है इट मींस हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल्स का मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, उसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अभी अपन ने बताया था सीजियम, सीजियम प्लस फोर शो कर सकते हैं क्योंकि सीजियम प्लस फोर मतलब जिनोन का कॉन्फिगरेशन। नेक्स्ट सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सर। हाँ सर इन द 29th क्वेश्चन व्हाई कांट इट बी बी ऑप्शन? Because plus four,
प्लस फोर ज्यादा स्टेबल होगा ना, नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। यस सर, सो अच्छा सॉरी एक मिनट, ना 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 ठीक है, उसका जो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन में बात करूं तो मुझे भाई एक चीज बताओ, तुम्हारे पास कॉपर प्लस वन ज्यादा स्टेबल है कॉपर प्लस टू ज्यादा स्टेबल? कॉपर प्लस टू बट कॉपर प्लस टू का तो 3d9 कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसका 3d10 है। तो तुम जो रीजनिंग बता रहे हो उसके अकॉर्डिंग कौन सा ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, प्लस टू या प्लस थ्री? हाइड्रेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करता है ना। यस, हाइड्रेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। तो एक्चुअली कॉपर प्लस टू ज्यादा स्टेबल होता है प्लस वन से। तो हमेशा अपने को देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम इलेक्ट्रॉनिक, तुम मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हो, बट कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ट्रू है क्या? नहीं। कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ अपने को ये भी देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में उसका हाइड्रेशन कितना हो रहा है। तो वही सेम चीज सीरियम में भी हो रहा है। तो इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी का या तो तुमको ऑर्डर पता होना चाहिए, अगर ऑर्डर नहीं पता है तो आई वुड सजेस्ट कि जब भी ऐसे प्रॉब्लम आए तो पहले ये चेक कर लो कि कौन सा डेफिनेटली गलत है। तो अपने को पता है कि ए तो डेफिनेटली गलत है, बी में अपना थोड़ा सा श्योर नहीं है क्योंकि प्लस थ्री की स्टेबिलिटी ज्यादा हो सकती है प्लस फोर से। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या फुली फुल्ड कॉन्फ़िगरेशन हमेशा स्टेबल है, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, गॉट इट सर। ओके नेक्स्ट सर, 30 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ठीक है, नेक्स्ट सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यट्रियम और फाइव, ऑप्शन सी सॉरी, ऑप्शन क्या आएगा सर? ऑप्शन बी आएगा ना, डी आएगा। डी कैसे आएगा बच्चे? यट्रियम और जिरकोनियम तो एक ही ग्रुप के है ना, जिरकोनियम के नीचे तो हाफमियम होता है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, रोडियस 4d और 5d का सेम होगा। यस यस सर, एक मिनट। एक मिनट रुकना, इसमें अपन ने मिस्टेक किया, यहाँ से ये नहीं बनेगा, सी नहीं बन के डी बनेगा। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो एच जी तुम्हारे पास एक तो प्लस टू में जाता है, एक तो ये बनता है एच जी एन एच टू सी एल प्लस एच जी, एच जी का डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, मैं वही देख रहा था, ये ऑक्टेन नहीं होता, डी ऑक्टेन होता है। यहाँ पर एच जी प्लस वन में है तो एच जी डिसप्रोपोर्शनेट होके प्लस टू, एच जी डिसप्रोपोर्शनेट होके प्लस टू एंड जीरो में चला जाता है, और ये वाली रिएक्शन होगी। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। ओके नेक्स्ट ऑप्शन डी। यस ऑप्शन डी ठीक है, नेक्स्ट सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी निकल क्या बोल के रखा है इसने? The number of the unpaired electron, paramagnetic substance बोला है ना उसने, paramagnetic मतलब निकल प्लस टू में है, निकल अगर प्लस टू में है तो configuration होगा उसका argon 3d8 और paramagnetic है, तो paramagnetic इसका मतलब दो unpaired electron है और साथ ही साथ वो tetrahedral होगा ना। Yes yes, तो option D आएगा या B आएगा? सर ऑप्शन डी। ओके ठीक है, नेक्स्ट सर ऑप्शन सी। एक मिनट,
अप्रिशिएबल शील्डिंग थोड़ी होगी, पुअर शील्डिंग होगी ना, तो ऑप्शन बी आएगा ना, 4F आर द पुअर शील्डर्स ना, यस, तो कम शील्डिंग होगी, ज्यादा थोड़ी होगी, तो सी नहीं आएगा, डी आएगा ना, सॉरी बी आएगा ना, यस यस सर. नेक्स्ट सी, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब म्यू इज इक्वल्स टू रूट 8 टाइम्स ऑफ बीएम. नेक्स्ट सर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इक्वली शील्डेड नहीं ना, डिफरेंटली शील्डेड होंगे, तो गलत स्टेटमेंट है. नेक्स्ट सर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हाँ, 4F की डिस्टेंस ज्यादा है, 4F की डिस्टेंस ज्यादा है, सॉरी 5F की डिस्टेंस ज्यादा है 4F से, तो 5F से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा इजी होगा, इसलिए ज्यादा इसके ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा. सही है. नेक्स्ट सर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, या तो तुम क्या बोल सकते हो कि 5F का डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि 5F और 6D के बीच में एनर्जी गैप कम है, तो 5F के इलेक्ट्रॉन को 6D में क्या करना, ट्रांजिशन करवाना ज्यादा इजी होगा एज कम्पेयर टू 4F एंड 5D, तो वैसे भी देख सकते हो. कुछ डाउट है 38 तक तो यू कैन आस्क, नहीं है तो फिर आगे सॉल्व कर लो. नो सर.
डन सर। डन। यस सर। व्हाट इज द आंसर ऑफ 39? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अच्छा ठीक है, केमन ऑफ फोर ऑप्शन डी। इसने क्या पूछा है वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। द टाइट्रेशन गिव्स अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट व्हेन कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द एचसीएल। एचसीएल की प्रेजेंस में अगर तुम कैरीड आउट करोगे तो अनसेटिस्फैक्टरी है वो। क्यों हो रहा है ऐसा? एक्चुअल में क्या है, ऑक्सिलिक एसिड का अगर तुम रिएक्शन KMnO4 के साथ करवाओगे तो कार्बन प्लस थ्री में है तो कार्बन CO2 में तो ऑक्सीडाइज होगा ही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये बोल रहा है कि अगर तुमने HCl के साथ रिएक्शन करवाया तो फिर ये रिएक्शन अनसेटिस्फैक्टरी क्यों है? क्योंकि KMnO4 रिएक्शन जब HCl के साथ करवाओगे तो अपने को देखो टाइट्रेशन में अपने को क्या चाहिए, जैसे कि KMnO4 है वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिएक्शन करना चाहिए, ऑक्सिलिक एसिड के साथ ही रिएक्शन करना चाहिए। KMnO4 जो है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास ऑक्सिलिक एसिड के साथ ही रिएक्शन करना चाहिए था। बट एक्चुअल में अगर तुमने HCl डाल दिया तो ये क्या, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो HCl क्या करता है, HCl डालने पे ये KMnO4 को खुद रिड्यूस कर देगा और खुद को, और इसको खुद को KMnO4 ऑक्सीडाइज करके Cl2 में भेज देगा। तो प्रॉब्लम ये है कि तुम HCl क्यों यूज नहीं कर सकते हो KMnO4 की प्रेजेंस में, क्योंकि यहाँ पर जो KMnO4 जो यूटिलाइज होगा ये भी कंज्यूम करेगा और ये भी कंज्यूम करेगा। तो अपने को टाइट्रेशन में ये नहीं चाहिए होता है। टाइट्रेशन में क्या चाहिए कि जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इक्विवेलेंट है वो सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ही रिएक्ट करना चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा, सी। क्लियर? यस सर। ओके नेक्स्ट सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। प्लस थ्री में तुम्हारे पास अगर कभी भी लुटेशियम है, लुटेशियम अगर कभी भी प्लस थ्री में है तो तुम्हारे पास क्या होगा, लुटेशियम अगर तुम्हारे पास है तो वो तुम्हारे पास वो होगा कलरलेस, बाकी सारे कलर शो करते हैं क्योंकि वो बाकी ऑल अदर्स जो है वो क्या है तुम्हारे पास, पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक है तो कलर शो करेंगे। गुड नेक्स्ट सर ऑप्शन डी। Availability of foreign reagent formation of the plus four. सारे member plus four नहीं show करते हैं। नहीं, 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 नहीं। सारे plus four तुम्हारे पास show नहीं करते हैं। ठीक है? एक चीज़ ये ध्यान रखना। Good. Next. Sir, option D. Option D. Good. Next. Sir, option D. Incorrect पूछा है तो अगर मैं, तो मुझे एक चीज़ बताओ, Fe plus two और Fe plus three में से किसका polarization ज़्यादा होगा? पोलराइजेशन किसका ज्यादा होगा बताओ, प्लस टू या प्लस थ्री? सर Fe प्लस थ्री। अगर मैं पोलराइजेशन की बात करूं तो Fe प्लस थ्री का पोलराइजेशन ज्यादा, तो कोवेलेंट रिएक्टर ज्यादा, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर, अगर मैं कोवेलेंट कैरेक्टर की भी बात करूं तो कोवेलेंट रिएक्टर भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जो प्लस थ्री वाला है ना, इसका ज्यादा हाइड्रोलिसिस होता है। जिसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा उसका हाइड्रोलिसिस भी ज्यादा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। गुड। व्हाट इज द आंसर ऑफ 44th? नेक्स्ट सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मैग्नेटिक बिहेवियर। हाँ इसके अंदर तो P5 ना, पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास चार ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन ए इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है नेक्स्ट सर ऑप्शन डी। ये चीज ध्यान रखना, ये वैल्यूज तुमको एनसीईआरटी में गिवन देख के रखा है। जनरली लोगों को है ना ये लगता है कि प्लस थ्री से प्लस टू Mn का ज्यादा होगा, बट एक्चुअल में इसका ज्यादा होता है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसका कुछ तो प्लस 1.97 के आसपास होता है और इसका कुछ तो 1.57 के आसपास होता है। ये मेरे जेई के टाइम का प्रॉब्लम है और ये मैं गलत करके आया था क्योंकि मुझे वैल्यूज याद नहीं थी। तो मैंने यही फंडा लगाया था कि प्लस थ्री से प्लस टू पॉजिटिव का मतलब उसके
यहाँ पर जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो ऐसा कुछ तो कंसेप्ट लगा के मैं बी मार्क करके आया था। तो मेरे दो प्रॉब्लम्स गलत हुए थे, उसमें से एक प्रॉब्लम ये था, तो बस ध्यान रखना। नेक्स्ट सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? हेमेटाइट, हेमेटाइट ये होगा ना, और मैग्नेटाइट ये होगा। यस बोलो। यस सर। तो फिर क्या आएगा आंसर बताओ। बोलो अरे आंसर क्या आएगा फिर। सर ऑप्शन सी। ये कैसे आएगा, यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? यहाँ पर Fe प्लस थ्री में, और यहाँ पर प्लस टू और प्लस थ्री दोनों में ना, तो ऑप्शन सी आएगा ना, सॉरी ऑप्शन सी क्या, ऑप्शन डी आएगा ना। डी। हाँ क्लियर। यस तो ये डी एंड एफ ब्लॉक भी हो गया। पी ब्लॉक थोड़ा सा लेंथी है। तुम लोग, तुम्हारा बैच स्ट्रेंथ क्या है टोटल? अभी तो आठ लोग ही हो सिर्फ, तुम क्या क्रैश कोर्स में लोग रहते हैं, बट आधे लोग निकल जाते हैं। आधे लोग निकल जाते हैं। अच्छा तो मैंने तुमको एस ब्लॉक और डी और एफ ब्लॉक तो करवा दिया है, अब पी ब्लॉक तुमको यहीं पे करना है, या फिर मतलब दो ऑप्शन है, या तो तुम यहीं पे कर लो साथ ही में, या फिर आई कैन सेंड, मतलब मैं पी ब्लॉक का असाइनमेंट और ये सॉल्यूशन दोनों भेज सकता हूँ। बताओ कैसे करना। सर आप सेंड कर दीजिए, हम अगर सॉल्व नहीं हुआ तो आपसे डाउट पूछ। मैं दोनों सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन का भी है, तुम यहीं पर भी कर सकते हो, नहीं तो तुम मुझे बता दो, मैं दोनों ऑप्शन से अपने पास यहाँ करने, बिकॉज लोग बहुत कम है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। मैं सॉल्यूशन सारे भेजूंगा, कोई सॉल्यूशन नहीं समझ में आया तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर अभी यहाँ करना है तो यहाँ भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। सर यही कर लेते हैं तब, फिर आप बस पीडीएफ भेज दीजिएगा। पीडीएफ तो मैं सारे भेजूंगा ही, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि दो चीज है, मैं एस ब्लॉक और डी और एफ ब्लॉक का पीडीएफ भी भेजूंगा, और अगर या फिर मैं ये कर सकता हूँ पी ब्लॉक का मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा, इसका सॉल्यूशन भी है तो मैं सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, या तो ये कर लो, या फिर तुम ये काम ये कर सकते हो कि तुम अभी सॉल्व कर लो, क्योंकि पी ब्लॉक में ऐसा हो सकता है, मैंने पी ब्लॉक तुमको नहीं पढ़ा है ना, तो पी ब्लॉक में काफी डेप्थ रहता है, आई डोंट नो कि मतलब तुमको क्या चीजें पता है लॉ, इसलिए मैं तुमको वो ऑप्शन दे रहा हूँ, बट स्टिल अप टू यू, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा कर लूंगा। सर पी ब्लॉक के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो शायद मैं इसीलिए, बेटर तो मैं तुमको भेज दूं ये दोनों डॉक्यूमेंट। यस, जो भी तुमको लगे कि ये सर हमको समझ में नहीं आया तो मुझसे नेक्स्ट टाइम में पूछ लेना। सर एक सेकंड, मैं ये डाउट ग्रुप बना देता हूँ, मैं आपको उसमें ऐड कर देता हूँ। तो मैं लास्ट टाइम भी ऐड नहीं किया तो फिर मैं उसको नहीं कर पाया, मैं डायरेक्ट डाउट ग्रुप पे ही भेज दूंगा तुमको। ओके सर, एक सेकंड मैं बना के आपको लिंक अभी भेजता हूँ। लिंक क्या, मेरे को ऐड कर दे यार। सर नंबर, ये ले नंबर, नंबर नहीं है तो 7506134395, तो ऐड कर दे, मैं सारे नोट्स भेज दूंगा, बट ये अभी कर लेना, मतलब अभी कर लो, क्योंकि पी ब्लॉक बहुत वास्ट है, तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि तुम टेक योर टाइम और सॉल्व करो, सारे सॉल्यूशंस भी हैं, कोई क्वेश्चन ना हो नहीं सॉल्यूशन समझ में आया तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन। ओके सर, हटा दूं उसको, मैं नंबर लिख लिया। यस सर। बाकी कैसा चल रहा है तुम्हारा प्रिपरेशन एंड ऑल? सर अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है।